हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त कैनेडियन बानिया। सो गाइस, आज की वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं मैं आपके साथ। एक अनाउंसमेंट है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड दोस्तों, देखने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अगर आप देख भी लोगे तो उसके बाद भी आप लाइक करके ही जाओगे इस वीडियो को, क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाया है। सो मैं आपको बताता हूँ, मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो प्लान, जिससे कि स्टूडेंट्स एक दूसरे की हेल्प भी कर पाएंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पाएंगे, एंड उनसे उन स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। सो गाइस, इससे पहले मैं आपके साथ प्लान शेयर करूँ, सो उससे पहले ही दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, या आप मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कोई भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, देन मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूँगा। एंड दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई स्टूडेंट्स का मैंने इंटरव्यू लिया है मैक्सिको के थ्रू आए हैं जो, एंड सर्बिया के थ्रू जो ट्रैवल कर रहे हैं, एंड PPR से रिलेटेड मैं वीडियोस आपको अपडेट देते रहता हूँ। सो गाइस, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि इन फ्यूचर मैं बहुत सी वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा कि कनाडा में कैसे सिम कार्ड आप अप्लाई कर सकते हैं, जो ऑलरेडी मैंने शेयर कर दी है, एंड क्या क्या नो फ्रिल्स में मिलता है यहाँ पर, क्या इंडियन फॉर्मर मार्केट है जो यहाँ पर, वो सब कुछ मिलता है यहाँ पर या नहीं, सो क्या चीज़ आपको इंडिया से लानी चाहिए, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस, वापस मैं आपके साथ अनाउंसमेंट पर आता हूँ कि क्या अनाउंसमेंट मुझे करनी है। सो गाइस, मैंने व्हाट्सएप पर 6 ग्रुप्स बनाए हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप एज ए स्टूडेंट कनाडा आना चाहते हैं, सो किस स्टेज पर हैं आप, लाइक अगर आप फर्स्ट स्टेज पर हैं कि आपने अपनी फाइल अप्लाई की हुई है, एंड अगर आप अपनी PPR का वेट कर रहे हैं ताकि अपडेट्स आपको मिलती रहे, इसके लिए मैंने व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाया है जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स पहले से हैं। सो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड अगर आपकी PPR आ जाती है, सो सेकंड स्टेप आपका होता है कि आपको कनाडा मूव करना है। सो कनाडा मूव करने के लिए आपको करना है ट्रैवल। सो ट्रैवल से रिलेटेड भी मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, सो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि आपको कौन सी रूट से ज़्यादा सेफ है, कौन सी रूट से आपके कम पैसे लग रहे हैं। सो सब कुछ मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, एंड कई वीडियोस में डाल चुका हूँ ट्रैवलिंग से रिलेटेड। सो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, एंड नेक्स्ट पासपोर्ट रिक्वेस्ट आने के बाद जब आप कनाडा में, सो PTE एंड नॉन SDS कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक अलग से ग्रुप बनाया है कि जो PTE स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने PTE की है, सो एंड वो PPR का वेट कर रहे हैं, या नॉन SDS कैटेगरी की जो रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं अपने, सो उनके लिए मैंने एक अलग से ग्रुप बनाया है। एंड लैम्पटन कॉलेज से मैं स्टडी कर रहा हूँ, जैसे कि आपको पता है कि मैंने कई वीडियोज लैम्पटन कॉलेज से रिलेटेड डाली हुई है कि आपको मूडल अकाउंट पर अपनी ऑनलाइन क्लासेस कैसे लगानी है, कि आपको अपने असाइनमेंट एंड क्विजेस कैसे प्रिपेयर करने हैं, एंड आप लैम्पटन कॉलेज के क्वारंटीन में जब आते हो सो आपको कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, कैसे आपका वेलकम किया जाता है। तो लैम्पटन कॉलेज से रिलेटेड मैंने कई वीडियोस आपके साथ शेयर की हुई है, एंड लैम्पटन कॉलेज के रिलेटेड मैंने एक ग्रुप भी बनाया हुआ है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो लैम्पटन कॉलेज का ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, एंड साथ में मैंने, अगर जिनकी कनाडा डेस्टिनेशन है, सो वो डेस्टिनेशन कनाडा के नाम से एक मिक्स ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें कोई भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड बात कर सकता है, कोई भी किसी भी कॉलेज से आ सकता है। शेरिडन कॉलेज का ग्रुप है, सो बहुत से कॉलेजेस के ग्रुप हैं जो स्टूडेंट्स अपने आप डिस्कस करके अपने आप ज्वाइन कर लेते हैं। एंड साथ में उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली एक ग्रुप बनाया है जिनको अभी तक BVL रिसीव हो चुका है, मींस बायोमेट्रिक वैलिडेशन लेटर, बट अभी तक PPR नहीं आई है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं, जैसा कि आपको पता है कि पहले क्या होता था कि BVL रिसीव होता था एंड 24 आवर्स से लेकर 48 आवर्स के बीच में आपको PPR रिसीव हो जाती थी। एंड पहले तो ये भी होता था कि BVL आने के बाद 1 to 2 आवर्स के बाद ही आपको PPR रिसीव हो जाती थी आपकी GC की में, बट अब दोस्तों क्या हो रहा है कि BVL पहले आ गए हैं एंड 22 जून के भी आए हुए हैं, 15 जून के भी आया हुआ, बट अभी तक PPR रिसीव नहीं हुई है। सो गाइज, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने एक ग्रुप बनाया है, एंड इससे रिलेटेड मैं आपके साथ एक लास्ट में वीडियो के न्यूज़ शेयर करूंगा कि क्या स्टूडेंट्स हैं जब डिस्कस कर रहे हैं, सब कुछ शेयर करूंगा। एंड साथ में मैंने, जब आपका ये सारे स्टेप क्लियर हो जाते हैं, PTE, नॉन SDS, लैम्पटन कॉलेज, आपको सब कुछ मिल जाता है, आप कनाडा में आ जाते हो ट्रैवल करके, देन मैंने उसके लिए भी ग्रुप बनाया हुआ है कि आपको यहाँ पर बेसमेंट कैसे सर्च करनी है एंड आपको यहाँ पर जॉब्स कैसे सर्च करनी है। सो उस ग्रुप में मैं बेसमेंट प्लस जॉब्स से रिलेटेड बहुत सी एड्स डालते रहता हूँ, जिससे कि आपको बहुत इजी आपकी बेसमेंट या रूम मिल जाएगा, जैसा भी आप रूम ढूंढ रहे हैं या हाउस ढूंढ रहे हैं या अपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं, या आपको अपनी जॉब इजीली मिल जाएगी। सो बहुत सी जॉब्स मैं शेयर करते रहता हूँ, सो आप इसको भी
ज्वाइन कर सकते हैं जब आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। सो गाइज बहुत सिक्स ग्रुप्स बनाए हैं, एक सेवन्थ ग्रुप भी है जिसका नाम है लैम्पटन वेलफेयर, एंड वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो स्पेशली लैम्पटन कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए है कि अगर लैम्पटन कॉलेज की स्टूडेंट की कोई भी कंप्लेंट है कॉलेज को लेकर, सो आप उस ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं, देन वो कॉलेज को अपने आप मेल करेंगे। सो उन ग्रुप का जो एडमिन है वो अपने आप आपको हेल्प करेंगे कि आप कैसे रीच आउट हो सकते हो अगर आपको कॉलेज से कोई भी प्रॉब्लम है। सो गाइज ये सेवन ग्रुप भी थे जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे आज के अनाउंसमेंट, मेन अनाउंसमेंट यही थी। सो इससे क्या है कि स्टूडेंट्स मेरे पास बहुत से कमेंट्स आ रहे थे, मेरे पास बहुत से इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे, सर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेजना, सर व्हाट्सएप इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेजना। सो गाइज मुझे प्रॉब्लम यही आ रही थी कि हर स्टूडेंट मुझसे अलग से अलग एक व्हाट्सएप ग्रुप मांग रहा था लिंक की, लिंक मेरे साथ इस ग्रुप का शेयर कर दो, इस ग्रुप का मेरे साथ लिंक शेयर कर दो। सो मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी सबको अलग अलग लिंक भेजने में, क्योंकि मुझे वाले व्हाट्सएप पर जाना था एंड उसके बाद उस ग्रुप में जाकर उसका लिंक कॉपी करके देन उसे सेंड करना था। सो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दी जाए ताकि आपको भी इजी रहे कि आपको कौन सा ग्रुप ज्वाइन करना है। सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इजीली जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइज एक रिक्वेस्ट है कि पर्सनल मैसेज मत कीजिएगा, जो मैसेज आपका ग्रुप में कीजिए, देन आप मुझे टैग करके कीजिए, देन मैं आपके क्वेश्चन का वहीं पर आंसर कर दूंगा, बट पर्सनल मैसेज नॉट अलाउड। सो अगर कोई भी मुझे पर्सनल मैसेज करता है देन मैं उसे ग्रुप से रिमूव कर दूंगा। सो सॉरी फॉर दैट, बट मुझे रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि अगर हर स्टूडेंट मुझे एक पर्सनल मैसेज भेजेगा तो मेरे पास बहुत से पर्सनल मैसेज हो जाएंगे। सो मेरे लिए देखना बहुत ही टफ हो जाएगा इतने सारे मैसेजेस। सो प्लीज़ मुझे मैसेज मत कीजिएगा कोई भी पर्सनल मैसेज। सो गाइज यही थी आज की अनाउंसमेंट मेन। सो आप जल्दी से अगर आपको किससे रिलेटेड करते हैं, BVL का वेट कर रहे हैं, PPR का वेट कर रहे हैं या बेसमेंट ढूंढ रहे हैं, तो अपने अकॉर्डिंग आप अपना ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, देन आपको हेल्प मिलेगी। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड जैसा कि मैंने बोला था कि लास्ट में आपके साथ एक वीडियो एक थिंग शेयर करूंगा कि क्या है। सो गाइज ऐसा है जो नो BVL PPR ग्रुप है जिसमें BVL मिल चुका है स्टूडेंट्स को एंड PPR नहीं मिली है। सो गाइज उसमें ग्रुप ने एक स्टूडेंट ने एक लिस्ट स्टार्ट की है कि आप अपना व्हाट्सएप पे जिस पे भी अगर जिसको भी BVL रिसीव हो चुका है, सो BVL की आप अपनी डेट ऐड कर सकते हैं कि मुझे BVL इस डेट को मिल गया था। सो आप जब ग्रुप ऐड करोगे, जब ग्रुप में आप आओगे, सो आपको वो लिस्ट मिल जाएगी। अगर आप भी उस लिस्ट में अपना नाम लिख सकते हैं देन वो सेंड कर सकते हैं सेम ग्रुप में। सो उसमें अभी तक 25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अभी तक BVL रिसीव हो चुका है, जिनको वन मंथ भी हो चुका है बट PPR नहीं आई है। सो गाइज अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आप अपना उस लिस्ट में नाम ऐड कर सकते हैं। सो इससे क्या है कि जब आप ग्रुप में ऐड हो जाओगे सो आप एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं, देन आपको हेल्प मिलती है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, एंड होप सो कि आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, एंड और स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अभी भी क्वेश्चन है तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर दीजिए, इंस्टाग्राम अकाउंट आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।